हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वास्थ्य शिक्षण संकुल के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम फिर पढ़ेंगे पाठ दो, नीति सुधार। कबीर जी का दोहा है, उसी को हम फिर पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको पहले वीडियो में एक और दो, दूसरे वीडियो में तीन और चार का अर्थ समझा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे दोहा नंबर 5 और 6, ठीक है? तो इस तरह से हम ये आपका पाठ का रिवीजन करवा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा दोहा क्या है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। कोई मतलब होता है कोई भी, कोई मतलब ये कोई है ना, कोई, कोई का मतलब होता है कोई भी। जो दिल खोजा अपना, अपना मैंने खुद, ठीक, मुझसा बुरा ना कोई। कवि जी कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया में बुरा इंसान ढूंढने गया तो क्या हुआ, कोई भी मुझे बुरा व्यक्ति नहीं मिला, ठीक है। जो दिल खोजा अपना, और जब मैंने अपने अंदर खुद के अंदर झांका तो मुझे ये पता चला कि जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, जिस बुराई को मैं इस दुनिया में ढूंढ रहा हूँ, दूसरे लोगों में ढूंढ रहा हूँ, वो तो मेरे में खुद में ही है। और मैंने तब ये पाया कि मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है। फिर से आपको एक बार ये मैं समझा रही हूँ, ध्यान से समझिए, दोहा पढ़ रही हूँ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न को। कबीर जी कहते हैं कि मैं इस पूरी दुनिया में बुराई ढूंढने निकला, बुरा इंसान ढूंढने निकला, लेकिन मुझे ना कहीं बुराई दिखी और ना ही कोई बुरा इंसान दिखा। जो दिल खोजा अपना, और जब मैंने अपने अंदर झांका, अपने दिल के अंदर झांका, तो मुझे ये महसूस हुआ कि सबसे बुरा दुनिया में मैं ही हूँ, मेरे ही अंदर वो सारी बुराई भरी हुई है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि वो इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है, या ये गलत है, या ये सही है। लेकिन कभी आप ध्यान से सोचिए कि अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो ही हमारे साथ गलत होता है, ठीक है? तो हमें बुराई स्वयं के अंदर ढूंढनी चाहिए। हम किसी को झूठा क्यों कहें यदि हम झूठ खुद बोलते हैं? हम किसी को चोर क्यों कहें यदि हम खुद चोरी करते हैं? तो ठीक है बच्चों, तो इस तरह जब हम अपने में स्वयं में सुधार करेंगे तो हमें कोई भी बुरा नहीं दिखेगा, ठीक है? अब आगे देखते हैं, कविराज संगति साधु की, जो गंदी की बात, जो गंदी कछु दे नहीं तो भी वास सुभाष। अब यहाँ पे कवि जी ने कहा है, किसके महत्व के बारे में बताया है, संगत के, मतलब संगत मतलब होता है साथ में रहना, संगत मतलब होता है जो आपके साथ आपके दोस्त लोग रहते हैं, ठीक है? और कविराज संगति साधु की, साधु मतलब होता है सज्जन, सज्जन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सज्जन व्यक्ति, ठीक है ना, साधु का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति, ठीक है। जो गंदी मतलब होता है इत्र बेचने वाला, ठीक है, जो गंदी कछु दे नहीं तो भी वास सुवास, सुवास मतलब होता है सुंदर सुगंध, सुवास मतलब होता है सुगंध, ठीक है। तो इस तरह अब मैं आपको ये अर्थ समझा रही हूँ कि कवि जी कहते हैं कि हमें हमेशा सच्चे और सज्जन व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए, उन्हीं की संगति में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गंदे की बात, किस तरह से होते हैं, जिस तरह से इत्र में से सुगंध आता है, उसी तरह सज्जन व्यक्ति के पास हम जब रहते हैं, या उनसे हम मेल मिलाप करते हैं, या उनसे हम मित्रता करते हैं, तो हमें बुराई नहीं आती है, उनकी अच्छाई हमारे अंदर आती है। और भले हम उसको सीख ना पाए, लेकिन कोशिश तो करेंगे कि हम उनके जैसा थोड़ा बहुत बने। जैसे कि इत्र देता कुछ नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी जाओ उस इत्र की खुशबू रहती है। तो यहाँ लास्ट लाइन क्या है, जो गंदी कछु दे नहीं तो भी वास सुवास, क्या है कि अगर इत्र हम लगाते हैं, इत्र हमें कुछ देता नहीं है, लेकिन क्या है, जहाँ भी हम जाते हैं
उसकी खुशबू हमारे अंदर से फैलती रहती है। लोग कहते हैं कि वाह कितना सुंदर इत्र लगाया है। तो अगर हम अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे, अच्छे गुण सीखेंगे, सज्जन लोगों के साथ रहेंगे, तो हमें कभी ना कभी अच्छाई आएगी। और जब हम कहीं जाएंगे तो वो लोग ये कहेंगे कि देखो उनके साथ था, इसके लिए इसके अंदर ये गुण आए हैं। जैसे अगर आप अच्छे मित्र के साथ रहते हैं जो पढ़ने में तेज है, तो वो आपको गलत चीज तो सिखाएगा नहीं, कुछ ना कुछ अच्छी बात ही सिखाएगा। तो जब आपसे कोई मिलेगा कहेगा देखो उसके साथ दोस्ती थी, इसके लिए इसके व्यवहार में इतना चेंजिंग आया, यानी इसका व्यवहार बदला, ये कुछ समझ रहा है। ठीक है, फिर एक बार मैं आपको समझा रही हूँ। कविराज संगति साधु की ज्यों गंदी की बास, जो गंदी कछु दे नहीं तो भी वास सुवास। कबीर जी कहते हैं कि हमें हमेशा सदैव अच्छे और सच्चे व्यक्तियों का साथ करना चाहिए। वो किस तरह से होते हैं? वो इत्र के समान होते हैं, जैसे कि इत्र कुछ देता नहीं है लेकिन उसकी सुगंध हमेशा हमारे साथ रहती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को देखें और हिंदी की नोटबुक में इसको लिखें। ठीक है, बाकी मैं इसका आपको पीडीएफ भी भेज दूंगी, स्वाध्याय पोथी का। लेकिन आपको एक बार वीडियो देखेंगे तो क्या है अर्थ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पाठ यहीं पे समाप्त करती हूँ। और ये इसका तीन पार्ट में मैंने वीडियो बना दिया, आपको तीनों पार्ट में दो दो करके 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मैंने आपको पूरा वीडियो में ये इसका अर्थ समझा दिया। अब दूसरे चैप्टर का हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय गायत्री।